तिलक समारोह खत्म होने के बाद वो अपने घर की ओर जा रहे थे, गाड़ी को आगे पीछे करने के संदर्भ में हमारे गांव मामला संतोष कुमार सिंह बबलू सिंह उनका कुछ लोग जो हुआ, जिस संदर्भ में बबलू सिंह ने बंदूक निकाला पिस्टल निकाला और मारा, वो कहां के मंजुआही के ही रहने वाले हैं। 12 बजे रात को है, लगभग 11 से 12 बजे रात के बीच ही आ रहा था। मुख्य कारण कुछ नहीं सर, मुख्य कारण था कि गाड़ी को आगे बढ़ाने के संदर्भ में दोनों मनोज जो हुआ डायरेक्ट पिस्टल निकाल पुलिस कार्रवाई कर ही नहीं रहे। पुलिस जबरदस्ती उनको, जब हम लोग प्रेशर बहुत ज़्यादा दिए तो उनको अरेस्ट की। अरेस्ट करने के बाद पुलिस की सबसे बड़ी निंदा करने वाली बात यह है कि पुलिस थाना में उनको फ़ोन दिया गया, उनका पर्सनल फ़ोन, और उन अपने पर्सनल फ़ोन से पुलिस थाना में बैठकर हमको धमकी दिए हैं कि अगर तुम गवाही दोगे तो तुमको भी यही हस्तर करेंगे। कौन थाना है? थाना मुफसिल, और उसका जो ले गए हैं वो भारती जी हैं हमारे दरोगा, उनको हम काफी अब सम्मान करे कि क्या बोले। इसकी जानकारी उच्च अधिकारी को दिए? अभी आप लोग एसपी साहब से बात करने के लिए यहाँ बैठे हुए, एसपी साहब आए नहीं हैं, हम लोग चाहते हैं कि वो आए और हमसे बात करें। किस पोजीशन में घटना हुआ, क्या हो रहा था वहाँ पे? सर कुछ नहीं, तिलक समारोह खत्म हो गया था। अच्छा, वो हमसे मिलकर मेरे मेहमान अपने घर की ओर जाने वाले थे, वो अपने घर की ओर जाते थे अपने गाड़ी में बैठे, गाड़ी को आगे पीछे करते थे, थोड़ा सा बूंदाबांदी हुई थी तो मिट्टी थोड़ा सा गिलापन आ गया था, गाड़ी एक तरफ जा नहीं रही थी, आगे पीछे करके गाड़ी को निकाला जा रहा था। उसी संदर्भ में उनसे थोड़ा सा नोकझोंक हुआ, उसे बस इतना ही नोकझोंक के बाद उन्होंने पिस्टल निकाला और उन्हें गोली। क्या आपको लगता है कि पुलिस, स्थानीय पुलिस से न्याय नहीं मिलेगी? स्थानीय पुलिस पूरी तरीके से संतोष कुमार सूर बबलू सिंह से मिली हुई है, पैसा लिया है उनसे और पूरा उन्हीं के पक्ष में निर्णय, किसी तरह से इस मामले से उनको निकालना चाहती है पुलिस, लेकिन ये हम होने नहीं देंगे। जब तक एसपी साहब नहीं आएंगे आप डटे रहेंगे? एकदम डटे, चाहे क्यों ना मेरा भी मृत्यु हो जाए हम यही रहेंगे। कौन सी जगह के हैं वो जो जिन्होंने गोली चलाई है? मंजुराही के, और हम भी मंजुराही के ही रहने वाले। जो मारे गए वो कहाँ गए? वो बहादुरपुर परासी थाना अरवल जिला के रहने वाले। क्या नाम है उनका? संजीत कुमार सिंह, पिता का नाम आशु, स्वर्गीय आशु। आपका नाम क्या है? क्या आप अपना नाम? मेरा नाम नागेंद्र कुमार है, मेरा भी घर मंजुराही सामने पुरानी जीटी रोड है, और गोली मारने वाले व्यक्ति को गिरफ्तार किया कर लिया गया है। विवाद क्या था? विवाद बताया जा रहा है कि तिलक को लेकर के, तिलक का कार्यक्रम था और तिलक कार्यक्रम के बाद गाड़ी को हटाने को लेकर के विवाद हुआ है, विस्तृत जानकारी हम लोग अभी प्राप्त कर रहे हैं। जिस हथियार से गोलीबारी हुई वो जब्त किया गया है? उस हथियार की वो अविलंब जब्त करने की हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं और जल्दी जब्त कर ली जाएगी। सर एक एसआई का आरोप लग रहा है कि खून दे करके बात कराया गया है, इस संबंध में हम लोग जाँच कर रहे हैं, जाँच किया जा रहा है।